भाजपा के वरिष्ठ नेता व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के चुनाव प्रचार को गति देने के लिए कल हिमाचल के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पहली बार चुनावी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की ये पहली जनसभा सोलन के ठोडो मैदान में होगी। इस बीच प्रधानमंत्री कल मंडी जिले के सुंदरनगर में भी एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सुंदरनगर में प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ये रैली ऐतिहासिक होने वाली है और राज्य में रिवाज बदलने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है, स्वागत है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं हम सबको शुभकामनाएं देने के लिए। अब की बार ये कार्यक्रम विशुद्ध हमारा इलेक्शन कैंपेन का एक हिस्सा है और उनकी ब्लेसिंग से हिमाचल प्रदेश में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उनके आशीर्वाद से, और अब की बार भी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये इतिहास होगा जब हिमाचल प्रदेश में रिवाज जो है वो बदलेगा।